चालाक लोमड़ी और कौआ। तुम्हें क्या हुआ मिंटू? मैंने अपनी सारी चॉकलेट्स और स्वीट्स डॉली को दे दी। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बहुत तारीफ की। तो डॉली ने तुम्हें मक्खन लगा दिया? ओ, मक्खन लगा दिया मतलब? चलो मैं तुम्हें चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। एक दिन सुबह सुबह एक कौवे को एक टेस्टी चीज का पीस मिला जो एक खिड़की के पास रखा था। वाओ, आज तो मेरा लकी डे है, मुझे तो चीज खाना बहुत पसंद है। वो पेड़ की डाल पर जाकर आराम से बैठ गया। जैसे ही वो उस चीज को खाने वाला था, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। कौवे ने आसपास देखा तो उसे एक लोमड़ी दिखी जो उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे फेदर्स बहुत सिल्की हैं और चोंच तो बहुत ही चमकदार और शार्प है। तुमसे सुंदर कौवा मैंने आज तक नहीं देखा है। कौवा लोमड़ी की झूठी तारीफ से इतना खुश हो गया कि उसे लगा वो सच बोल रही है। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, आई विश मैं तुम्हारा गाना सुन सकती। मैं अपने सारे दोस्तों को तुम्हारी खूबसूरती और प्यारी आवाज के बारे में बताऊंगी। और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ गए, जैसे कि वापस जा रही हो। कौवे से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सोचा कि वो लोमड़ी को अपनी आवाज सुना कर ही रहेगा। जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच से चीज नीचे जमीन पर गिर गया। उसी समय लोमड़ी ने झट से चीज लिया और खा गई। यम, ये तो बहुत टेस्टी है। फिर लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम तो बुद्धू हो, झूठी तारीफ से तुम आराम से बुद्धू बन गए। मुझे तो सिर्फ चीज चाहिए था और वो मुझे मिल गया। बेचारे कौवे को लगा कि वो कितना बुद्धू है कि वो चालाक लोमड़ी की झूठी तारीफ में आ गया। तो समझे मिंटू, हमें हमेशा उनसे बचकर रहना चाहिए जो अपने फायदे के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं। सही कहा, मैंने भी अपनी पसंदीदा चॉकलेट्स दे दी, ठीक उस कौवे की तरह जो इस कहानी में था।